आज मैं बनाने जा रही हूँ ईद के लिए सेवई, जिसमें ये कम से कम 1.25 किलो सेवई है, ठीक है। और इसमें ये कटा हुआ खजूर है 100 ग्राम, कटा हुआ खजूर 100 ग्राम है। और इसमें इसमें ये इतना क्रश किया हुआ काजू है, और इतना ये क्रश किया हुआ पिस्ता है, और इतना ये 10 काली मिर्च क्रश किया हुआ है, और ये 6 छोटी इलायची है क्रश किया हुआ, और इतना ये ड्राई फ्रूट है काजू कटा हुआ, और इतना ये चार्ली है, जो सब इसमें ऐड करना है। और इतना ये 600 ग्राम शक्कर है। अब ये कम से कम 600 ग्राम सेवई दी है। इसे हम बारीक बारीक कर लेंगे। इसे अच्छी तरह तोड़ लेना है। और आप सभी को रोको, और आप सबको रोको रॉयल किचन के तरफ से ईद मुबारक हो। अब मैं जा रही हूँ ईद स्पेशल सेवई बनाने के लिए, जिसमें 100 ग्राम कम से कम घी लेना है। ग्राम तेल लेना है अच्छा वाला। इसे अच्छा गरम करना है कड़क होने तक का, इसे अच्छा गरम करना है पिघलने तक का। अब ये गरम हो गया, अब इसमें शक्कर यूज करना है। इसे 1 मिनट तक भूनना है। अब ये शक्कर हम इसलिए भुने हैं, ये भुनने से सेवई में अच्छी टेस्ट आएगी। और उसके बाद में ये खजूर है, इसमें ऐड करना है, तक भुनना है। अब ये भून के हो गया, अब इसमें ये जितने भी मसाले हैं ये सब ऐड करने हैं। जितने भी खुश्क मेवे थे हमने इसमें ऐड कर दिए, जितने भी खुश्क मेवे थे हमने इसमें ऐड कर दिए। अब इसे 1 मिनट तक भूनना है। ब्राउन कलर का हो गया, इसमें हम 1/2 किलो पानी ऐड करेंगे। सेवई ज़्यादा है इसलिए मैंने 1/2 लीटर पानी और ऐड किए हैं। अब इसे अच्छा उबलने तलक का इसको उबालना है, चाशनी बनने तलक का उबालना है इसको। अब इसमें थोड़ा केवड़ा भी डालना है। आधा ढक्कन गुलाब जल भी डालना है खुशबू के लिए। अब ये चाशनी बनके हो गया तैयार। अब इसमें हम सेवई ऐड करेंगे। धीरे धीरे ऐड करके इसे मिलाते रहना है।
इसे ढक्कन डाल करके 2 मिनट तक पकाना है। अब ये सेवई बनके हो गया तैयार पूरी फैमिली के लिए। अब इसे हम सजाएंगे। इस तरह से बड़े बर्तन में निकाल सकते हैं, अगर ज़्यादा सेवई है तो ऐसा सजा सकते हैं आप। अब इसे हम सजाएंगे और सजाने के लिए हमारे पास ये आधा आधा किया हुआ काजू है और इतना क्रश किया हुआ नारियल है, इसे हम आधे आधे में सजाएंगे। तैयार, अब ये सेवई सजा के हो गया तैयार। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।